हेलो गाइस, मैं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका आर एस न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हुक्का ड्राइंग कर सकते हैं 2D में बहुत इजी तरीके से। हुक्की 2D ड्राइंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं 2D स्केचिंग से। स्केच ऑन कर लेते हैं प्ले हम, एंड ड्राइंग में आपको एक ओरिजिन पॉइंट ढूंढना है ताकि आपको ड्राइंग बनानी ईजी हो जाए। इस ड्राइंग में ये पॉइंट बेटर रहेगा, सेंटर पॉइंट, जो इसका डायमीटर है 180, रेडियस दे रखा है यहाँ पे 90 का। ओके, सो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, ऑटो डायमेंशन ऑफ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट भी ऑफ कर लेते हैं। सो हम प्लेस करते हैं इसको कॉन्स्टेंट दिस पॉइंट ऑन 0 0। ओके, एंड हम रेडियल यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियल एंड 90। ओके ओके, तो स्केच इज फुली कॉन्स्टेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक और सर्कल है उसके बाद, इसका रेडियस है 190। सो ओके, एक और सर्कल है, इसमें हम यूज़ करेंगे, आप कॉन्सेंट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं एंड कॉन्सेंट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग कॉन्सेंट्रिक, सो दिस एंड दिस। सो डिफरेंस क्या होता है जब भी हम कॉन्सेंट्रिक यूज़ करते हैं या फिर हम कॉन्सिडेंट यूज़ करते हैं? कॉन्सिडेंट में क्या होता है कि आपको सेंटर टू सेंटर पॉइंट पिक करना होता है, बट कॉन्सेंट्रिक में आपको सर्कुलेंस पर क्लिक करना होता है सर्कल्स के, तो आपने ऑटोमेटिकली वो पॉइंट सेंटर पॉइंट पिक कर लेते हैं। सो अगेन हम रेडियल भी आते हैं एंड डायमेंशन है इसकी 190। ओके, स्केच इज फुली कॉन्स्टेंट, अगेन सेट करते हैं इसको डायमेंशन को। ओके, नेक्स्ट इज एक और रेडियस है 88 एंड 190। ठीक है, इसको भी प्लेस करते हैं। उससे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन क्योंकि सेंटर में आ रही है बिल्कुल। ओके, सो इस लाइन का वो कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, आप माइनस कर सकते हैं 190 माइनस 88, सो कितना हो जाएगा वो अराउंड 102। ओके, सो माइनस लाइन को हम मैक्सिमेट्रिक भी कर लेते हैं पहले, दिस पॉइंट एंड एक्स। ओके, एंड हम लेंथ देते हैं इसको जो कि है 102। ओके, एंड डायमेंशन देखी जाए तो हम सेंटर से लेके चलेंगे, सो 440 माइनस 203, हम नॉर्मल लिखेंगे इसको, हम माइनस नहीं करेंगे। सो 440 माइनस 203। ओके, सो ये लाइन भी फुली कॉन्स्टेंट हो गई है। मैं डायमेंशन को हाइड कर रहा हूँ बिकॉज फुली कॉन्स्टेंट हो चुका है, इसलिए इन फ्यूचर में ले आएंगे जब जरूरत होगी, जब चेंज करना होगा उसको ले आएंगे। ठीक है, सो हम रेडियस बनाते हैं R88 एंड R190, इसको प्लेस भी करेंगे। सो फर्स्ट दिस एंड दोनों बना लेते हैं पहले। ओके, सो हम डायमेंशन दे देते हैं पहले उनको, दिस इज 190 एंड दिस इज 88। ओके, एंड प्लेस करते हैं इनको टेंजेंट, ये यहाँ पे टेंजेंट है एंड हम इस पॉइंट को भी देंगे। ओके, सो पॉइंट इन कर्व, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द कर्व, लाइक दिस। ओके, एंड अगेन इसका भी हम ऐसे ही करेंगे कुछ, टेंजेंट पहले टेंजेंट करेंगे हम एंड पॉइंट इन कर्व, ये पॉइंट, ये कर्व, लाइक दिस। ओके, एंड ट्रिम पहले कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, लास्ट में ट्रिम करना चाहो लास्ट में ट्रिम कर सकते हैं आप। सो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ऊपर डायमेंशन को हाइड कर रहा हूँ, एंड स्केच फुली कॉन्स्टेंट हो गया है हमारा। अगेन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो रेडियस और भी हैं, R150 एंड R152, उसकी प्लेसमेंट भी हमें करनी है। सो लास्ट में ये R24 है, लास्ट में लगा लेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट है दिस एंड सेकेंड दिस, हम डायमेंशन ऐड कर लेते हैं 152 एंड 150। ओके, सो चेक करते हैं 152 कहाँ तक जा रहा है। सो 150 बाहर है और 152 अंदर है। ओके, तो हम यही से यूज़ करेंगे। सो टेंजेंट फर्स्ट दिस एंड दिस, लाइक दिस। ओके, एंड पॉइंट ऑन कर्व करेंगे, इनका सेंटर पॉइंट है वो वाई में ही है, अगेन दिस पॉइंट ऑन वाई ओनली। ओके, एंड यही फिक्स हो गया, डायमेंशन हाइड करते हैं एंड ट्रिम कर लेते हैं पहले, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स क्लिक कर लिए हमने, बहुत सारे कर्व्स लगा लिए हैं, ट्रिम करना बेटर रहेगा अभी। सो ट्रिम करते हैं
और ये भी नहीं चाहिए एंड ये भी नहीं चाहिए, इस केस में ये भी नहीं, ओके सो ये भी नहीं चाहिए, ओके कैसे फुली कॉन्स्टेंट, ओके लास्ट में हमने एक और रेडियस लगाना है R24, सो इसके लिए आप फिलेट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दिस इज 24 एंड कंट्रोल शिफ्ट के मैं अपनी सारी डायमेंशन हाइट शो करा रहा हूँ जो हाइट हो रखी थी एंड हमारा स्केच है वो रेडी है, फिनिश। एक हुक का डिज़ाइन था ये, अगर इसको आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग होती है, पर आपको 2D तो बनाना ही पड़ता है। तो ये ड्राइंग हमारा पूरा हो चुका है हुक का डिज़ाइन, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, बड़ी इजीली बना लिया हमने, ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा ये 2D ड्राइंग बना के, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी हम ऐसी और वीडियोज अपलोड करें। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कैड डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो या कुछ भी सीखना हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।